अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया, कल 14 अगस्त थी, 14 अगस्त वाले दिन मैंने रात को शाम को यानी तकरीबन मैंने व्लॉग अपलोड किया था 14 अगस्त का, बिकॉज मैं सारा दिन जो है वो गाड़ी लेटा रहा हूँ बोर रहे हैं, तो लेकिन हमने जो है वो शाम को फिर जाके कवर किया था, तो फिर उसके बाद हमने वो अपलोड किया था। और सुबह हमारा व्लॉग जो आया था दियांगा टॉम था शायद, हाँ वो था सुबह फर्स्ट टाइम में ना। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का लाख लाख और करोड़ा शुक्र है। तो मैं तो उस खुशी को जान चुका हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको भी वो खुशी में शामिल करना चाहता हूँ अपनी YouTube फैमिली को। और इस प्यारे से मौसम के साथ मैं आपको एक खुशखबरी दूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं छोटे से अपने एक दो शॉर्ट देना चाहता हूँ, पहले आप उसको देखें, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी गाइस, क्या चल रहा है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारा मेट्रो ट्रेन पर एक दूसरा सफ़र, रात का टाइम है, बड़ा एक ज़रूरी काम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशी देने वाले, एक न्यू एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जो है वो एक खबर मिलने वाली है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। तो रात का सफ़र है, एसी चल रहा है अभी भी, दोपहर को बहुत गर्मी थी, तो ये है कि आपको आगे जाके मार्केट मिलते हैं और उस मार्केट में भी आपको विज़िट करवाते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छा जी गाइस, एक और बात आपको बतानी थी साथ साथ कि अभी मैं जो है वो हारिस भाई को, उस्मान भाई को ही इस चीज़ के बारे में बता के आया, और यकीन इसमें हारिस भाई और जो क्या कहते हैं उस्मान भाई वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उन्होंने साथ साथ छोटा सा मेरे साथ गिला भी करना है कि आप मुझे बता के नहीं गए, हमें बता के नहीं गए, तो हमने भी साथ जाना था, लेकिन ये है कि अभी उनको बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे हमने भी मार्केट में देखना है, डील डन करनी है, देन आफ्टर उनको बताया जाएगा। तो मैं जाके उनको कॉल करूँगा, तो उनको बताऊँगा कि मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। तो जी गाइस, जैसा कि आपने देख लिया है मैंने क्या शॉर्ट्स बनाए और उसमें मैंने क्या कहा, मैं उसमें कह रहा हूँ मैं एक मार्केट जा रहा हूँ, तो उसमें ये है कि मैंने हारिस भाई को और हाफिज़ भाई को सिर्फ जस्ट ये बताया है कि आपको एक आज खुशखबरी देने वाला हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। तो वो जनाब खुशखबरी ये है कि मैं आज करोला यारिस लेने जा रहा हूँ 0 मीटर। हमारी बात हो चुकी थी, हम अप्लाइड फॉर 2023 मॉडल जो है वो गाड़ी लेने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, फादर ने मुझे एक और गिफ्ट दिया है होंडा सिटी के साथ साथ करोला यारिस, तो आज मेरी फर्स्ट ड्राइव होगी। अभी कोई 2 से 3 घंटे तक मैं जाऊंगा मार्केट और शोरूम से मैं वो गाड़ी लूंगा और ख़ुद ड्राइव करके आऊंगा, इंशाल्लाह वहाँ भी मैं वो व्लॉग बनाऊँगा, सेट स्टैंड अपना ले कर जाऊँगा, या कोई पर्सन हुआ तो उसको कहेंगे कि यार मेरी इस तरह वीडियो ज़रा कैप्चर करे, तो इंशाल्लाह आज मैं वो लेके आऊँगा और आपको भी दिखाऊंगा। तो गाइस, आप दुआ कीजिएगा कि मैं खैर खैरियत से वापस आऊँ और उस गाड़ी को लेके आऊँ अपने घर, और उसको फिर हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह अपनी पसंद के लिए, जिसमें मतलब कि हम अपने शौक़ से उसको अल्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, उसमें चीज़ें वगैरह लगानी होती हैं, कोई एक्स्ट्रा उसमें अगर फीचर्स इंस्टॉल करने हो बंदा वो करता है, कोई ना कोई चीज़ मतलब कोई पोशिश वगैरह कुछ मतलब उसको हैंग करने के लिए मिरर के पास कोई वो चीज़ कोई स्ट्रेटनिंग, हम अपने चैनल ब्रोलॉजी का इंशाल्लाह इस बार लोगो देंगे। सिटी को हमने एप्पल का लोगो दे दिया हुआ था, क्योंकि लास्ट मेरी एक और गाड़ी थी रिबॉन, होंडा सिविक रिबॉन थी, 2011 मॉडल थी, तो उसमें ये था कि मैंने उसको एप्पल का लोगो लगाया हुआ था, तो वो मेरी फादर की पसंद का है, तो वो सिटी को लग चुका है। तो अब मैंने फादर से रिक्वेस्ट की है कि मैं अब अपना वो ब्रोलॉजी चैनल का लोगो जो है वो लगाऊंगा, पेस्ट करूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आज ही उसी में शामिल होगा या कल शामिल हो जाएगा। पार्ट उसका फिर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे लेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है,
तो अगर तो वो पार्ट टू बन सका तो बनाएंगे गाड़ी की अल्टरनेशन वगैरह में, अगर ना बन सका तो आज ही हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर पार्ट टू दिया गया तो दे देंगे, नहीं देंगे तो आज की आपको वो चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अब आप हमें दें तब तक इजाज़त, हम बस टाइम का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो गाड़ी आए खुशी की, तो फिर आपको भी उसमें साथ ही हम शामिल करें और आपको भी दिखाएँ। ठीक है गाइस, तो इस प्यारे से मौसम के साथ लाहौर के हमें इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको न्यू गाड़ी में। सब ठीक ठाक होंगे और आज हम एक डिफरेंट प्लेस पे कारफोर, और हमारे साथ उस्मान भाई, मैं और उस्मान आए हैं आज कारफोर घूमने फिरने, और अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। कल भी हम गए थे लेकिन निकले धूप में और आए हल्की हल्की बारिश पर बूंदाबांदी में, और आज तो कमाल का मौसम, अखीर किस्म की बारिश हुई है। चेक करें, मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की अभी भी रिमझिम हो रही है, वेरी नाइस। अभी आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें। उस्मान भाई क्या कहते हो, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हम जहाँ जाते हैं मौसम अच्छा हो जाता है, मतलब हम अच्छे हैं। अब हल्की हल्की धूप भी आ गई, बस अच्छी बात है, ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए बम्बई में। बैठे हैं अब कहीं, बैठते हैं इधर ही कहीं फिलहाल। चलो चलो, बात भाई थक क्यों जाते हैं हर दफा यार, मेरे पांव दर्द करने लगे। क्यों वैसे इसलिए को क्या कंफर्टेबल हो क्या करने, इतने बड़े बड़े शूज ना पहन के आया करें यार, मैं ना पहनूं फिर बात सुनने को मिलती है, पहनूं फिर भी सुनने को मिलती है, फिर अब क्या करें, बीच में नंगे पैर ही आ जाया करें। कोई बात नहीं, अब आके उतार के सोलो पे आ जाया करें, ऐसे हवा कैसी है, बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन करो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला की मदद शामिल है, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जाते हैं एक तो अल्लाह अपनी रहमत बरसाता है, मौसम अच्छा कर देता है, और हमारा जो व्लॉग है बड़ा प्यारा बन जाता है, और हमारी यूट्यूब फैमिली भी इस लिहाज से बहुत खुश होती होगी कि यार हम इतनी गर्मी में बैठे भी हम घर बैठे मौसम को इंजॉय कर लेते हैं। जब आप अच्छा हवा बहुत है, कैमरा भी हिलता है, हाँ जब आप देख लो, जब आप एक चीज़ देख रहे होते हो ना तो वो फिर सारा जो आपका माइंड एंड फोकस है ना वो उसमें चला जाता, तो वो वही चीज़ आप फील कर रहे होते हो। आ चुका है तो अब हम उस मार्केट में जाएंगे, अपनी चीज़ खरीदेंगे और उसके बाद फिर हम अब घर आएंगे, और हमारा सफ़र है ट्रेन का, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन में बैठ के जाएंगे और मार्केट पहुंचेंगे, वहाँ मेरे फादर भी आ रहे हैं, मैंने उनको कॉल कर दी थी कि आप पहुँचें, उनकी कॉल आई है, उन्होंने कहा जी मैं 5-10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और आप आ जाएँ, तो इसलिए मैं अब रवाना हूँ उस तरफ, और वापसी इंशाल्लाह मैं आके अपने दोनों भाइयों को खुशी दूँगा।
उस्मान भाई को और हारिस भाई को, और ट्रेन आ चुकी है। जी गाइस, मैंने अपनी माशाल्लाह गाड़ी ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे हाथ में ये चाबी है, और अभी मैं अपनी ये गाड़ी निकालूंगा बाहर। तो ये गाड़ी मैंने ले ली है, तो अब मैं अपने पापा से कहूंगा कि आप मेरी वीडियो बनाएं, ठीक है, और मैं गाड़ी निकाल के लेके आता हूँ। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी में इस टाइम बैठा हुआ हूँ, और अब हम जा रहे हैं अपने घरों की तरफ इंशाल्लाह, और जाके हाफिज भाई को मिलते हैं और उस्मान भाई को मिलते हैं। हाफिज भाई और उस्मान भाई एक ही हैं। अच्छा, और हारिस भाई को भी मिलते हैं, ठीक है, तो उनको जाके ये खुशखबरी देते हैं। तो जी गाइस, अब तो सारा दिन हमने घूम फिर लिया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी ले आए हैं, और अब हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब खाना खा के हम घर जाएंगे, और नेक्स्ट डे हमारा इंशाल्लाह गाड़ी को अल्ट्रेशन वगैरह करवाना है, वो हारिस और उस्मान के साथ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी न्यू गाड़ी की, और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपने लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, ख्याल रखा करें, और हमारे लिए भी दुआ किया करें, और देखते रहें हमारा व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। बोलो जी, जिंदाबाद।